महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्रिंसिपल, पीटीए के मेंबर्स और साथ में बहुत से स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। प्यारे बच्चों, हम दो घंटे से आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप सभी ने बहुमूल्य और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो हमको लगता था कि आप सभी से बातें आनी चाहिए, वो बातें आई हैं। और हमने कोशिश ये की है कि आप में से अधिकतर की बात आ जाए। पेरेंट्स ने भी अपनी बात को रखा और हमारे प्रिंसिपल ने भी अपनी बात को रखा। और साथ में एक अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्होंने भी अपनी बातों को यहां पर रखा है। और एक बड़ी खुशी की बात यह होती है कि जो हम बड़े कहते हैं, हमसे आगे चार कदम बढ़ करके बच्चे कुछ कहते हैं। और निश्चित रूप से जो अभी के बच्चे हैं, इन बच्चों की जानकारी, इनका ज्ञान, दुनिया को देखने का इनका नजरिया शायद पहले वाली पीढ़ी से और आगे का है। और इसलिए जितनी बातों को हमने सुना है, हमारे अधिकारियों ने इन सब बातों को अपने पास लिख लिया है और इसके पश्चात हम भी आपस में चर्चा करेंगे। और चर्चा के उपरांत और भी कोई सुजेशन लेनी होगी उनको भी लेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसा फैसला करें जो लगभग अधिकतर लोगों के हित में हो। और सभी के मन के मुताबिक तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किसमें हो उसका ध्यान रखना। एक बात अभी यहां पर कह रहे थे कि हमारे इतने कॉलेज के स्टाफ के लोग या बाकी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और बहुत से स्टूडेंट्स भी। मेरा सभी से शिक्षा विभाग का मंत्री होने के नाते एक निवेदन है, अपने विभाग में जहां जहां पर यदि लगता है कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी विशेष प्रकार की चिंता करना ये हम सबका दायित्व है। और इसलिए आना नहीं चाहिए, अगर कोई आए तो पूरा शिक्षा विभाग उस अध्यापक का, उस प्राध्यापक का, उस गैर शिक्षक का, सबका फोन करके हालचाल पूछना, उसके परिवार में कोई समस्या तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं, हर प्रकार से उसका ध्यान रखना। और अभी मैंने विभाग को एक बात और कही है कि ऐसा भी तो कहीं पर क्या है कि हमारे विभाग में कुछ लोग कोरोना के कारण से जिनका जीवन चला गया है उनके परिवारों की स्थिति क्या, वो सब ध्यान रखना। और एक और बहुत विशेष काम आने वाले दिनों में हम सबके पास आ सकता है, ईश्वर करे ना आए, जिस तीसरी लहर की बात अगर करते हैं तो उसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें 18 साल से कम उम्र के लोगों पर वो हमला करे। इसका मतलब यह है कि ये जो श्रेणी है ये अधिकतर शिक्षा विभाग के पास भी आ सकती है और हमारे 18 से ऊपर के भी बच्चे हमारे पास अधिकतर होते हैं। तो इसलिए हम सबको उस सारी पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पिछले कल जो 5 बजे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया है, अब वैक्सीनेशन के बारे में हमारी चिंता समाप्त है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब 18 साल से लेकर के 44 साल की उम्र के बीच के भी सब लोगों को भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी और फ्री में लगाई जाएगी, वो व्यवस्था भी सारी अब केंद्र सरकार कर रही है। और साथ में ये भी कहा है कि यदि कोई पैसा खर्च करके लगाना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर भी 25% तक वैक्सीन खरीद सकता है और केवल मात्र सर्विक्स जो शुल्क लेगा वो 150 रुपए लेगा। ये सब भी सुविधा हम सबको मिलेगी। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, सबकी बातों को सुना। और मैं एक बात ये देख रहा था कि लगभग 700-800 के करीब हम सब यहाँ पर जुड़े हैं। इसका मतलब है कोरोना के कारण से घर घर बैठ के सब परेशान हो गए हैं।
और सबके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्यों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना हमारा स्वभाव है कि मिलजुल के रहना, बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख में जाना, एक दूसरे के घरों में जाना। लेकिन आज यह है कि जो जितना एक जगह पर रहेगा तो उतना ही ध्यान, लेकिन हम सब के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों का जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहकर आखिर में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमको एक बात बताई गई है कि मनुष्य का जीवन 85 लाख योनियां भुगतने के प्राप्त बाद मिलता है, तो कितने समय के बाद? इसका मतलब क्या है कि मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बचना चाहिए, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन ना हार करके ना मन हार करके, बल्कि हिम्मत से और सारे नियमों का पालन करते हुए, और यह शिक्षा जगत से जुड़े लोग कोरोना के इस समय में भी सबके लिए रोल मॉडल बन करके आगे निकल करके, ताकि समाज के अंदर निराशा नहीं, उत्साह और स्फूर्ति और ऊर्जा नजर आए, उस नाते काम करें। आप सबके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।